करनाल के जेजेपी के नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोरैया ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में दिया है। 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, आंदोलन बढ़ रहा है, लगातार इस्तीफे के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। अब एक इस्तीफा करनाल के सामने आया है, ये जेजेपी पार्टी के नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोरैया का इस्तीफा है। इन्होंने पद भी छोड़ दिया और पार्टी भी। उनका कहना है कि मैं अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं देखना चाहता, बल्कि मैं किसानों के साथ मिलकर उनकी आवाज आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उनको उन्होंने भी शुरू में मेरा जब मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा कि आपका ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि 14 जनवरी को मैं सारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए गया था और उनसे मांग करने गया था कि आप इसके बारे में सख्त स्टैंड लें। कहाँ बातचीत हुई? चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे दिग्विजय सिंह मिले थे, सरदार निशान सिंह जी भी मिले थे, सबसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा कि हमें किसानों के साथ खड़े होना चाहिए और वो सारे सहमत से मेरी बात है। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला जी से मेरी बात शाम को 6:30 बजे हुई तो उन्होंने इस पे मेरे कदम पे सहमति व्यक्त नहीं की। तो उस बात का मुझे मलाल है, क्योंकि हमने 30 साल पार्टी में लगाए हैं, तो आज हम किसानों के साथ नहीं खड़े होते। हमारी तो रोजी रोटी का सवाल है किसान की, और हम खुद किसान हैं। अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके तो किसी की लड़ाई कैसे हम लड़ सकते हैं। इसलिए मैंने ये फैसला लिया। आपकी तरह और कोई और पार्टी के नेता या पदाधिकारी जो इस आंदोलन के समर्थन में या दुखी हो इस बात से? नहीं, हमारी पार्टी का जो 99% लोग हैं वो सारे किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और सारे के सारे मुझे मिलते रहे हैं आंदोलन में। कोई गाजीपुर मिलता रहा है, कोई टिकरी बॉर्डर मिलता रहा है, कोई सिंह बॉर्डर मिलता रहा, सारे साथी जाते रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास जिला प्रधानगी का पद था तो कई बार ऐसी बातें आती थी भी आप पार्टी की लाइन से हटके काम कर रहे हो, बाकी तो किसी और ढंग से जाते थे। तो मेरा जो है थोड़ा बहुत आप पद के नाते आप पत्रकार भी थोड़ा प्रचारित करते थे तो शायद पार्टी को ये बात ठीक नहीं लगती थी। तो फिलहाल आज आपने क्या कदम उठाया है? नहीं, मैंने आज रिजाइन किया है, अपने पद से रिजाइन किया है और अपना जो ये पद था ये किसान आंदोलन को समर्पित किया है और तीनों कानून रद्द करने की मांग जो है वो किसानों की मांगी जाए, मानी जाए। इसके लिए जो भी मेरे से अंशदान हो पाया वो मैंने किया। मैं ऐसी कोई बात मुझे मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा मैं वैचारिक तौर पर उनसे अलगाऊँ। मेरा वहाँ पर पार्टी में मेरा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और सारा परिवार जो है मेरा इज्जत मान करते हैं, लेकिन आज एक मुद्दा ऐसा बन गया था, मुझे व्यक्तिगत सम्मान से जो है किसानों का सम्मान ज़्यादा प्यारा है, इसलिए मैंने वहाँ से रिजाइन किया है। क्योंकि आप जिला अध्यक्ष होते हो, आपने अपना स्टैंड रखा पार्टी के सामने कि इसका समर्थन करना चाहिए, बावजूद उसके उन्होंने सहमति नहीं जताई आपके स्टैंड पे, जिसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि उन्हें भाई ये शायद लगता है कि उस सत्ता मिली है तो आगे अपनी सत्ता आए ना आए तो इस तरीके से वो आंदोलन का समर्थन नहीं कर पा रहे। इसका कोई मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पार्टी को साथ में खड़े होना चाहिए। मेरा कहना ये था, मेरा पार्टी हाईकमांड को ये मैंने यही कहा कि हमें किसानों के साथ खड़े होना चाहिए, और कभी मैंने दुष्यंत चौटाला जी को ये नहीं कहा कि आप रिजाइन करें। मैंने उनको हमेशा ये कहा कि आप रिजाइन ना करें, लेकिन क्योंकि आपका बहुत बड़ा परिवार का जो देवीलाल जी का नाम है, आप केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, इसके बीच में जो आप मीडिएटर बने और इसको आंदोलन को आप जो है इसका सम्मानजनक तरीके से इसका समाधान निकालने में अपना सहयोग दें, मैं ये बात उनसे मांग करता हूँ। मीडिएटर के रूप में उभर कर नहीं आ पाए, आपको ऐसा लगा? हाँ, वो आपके सामने सारी बातें, क्योंकि जो वो बातचीत तो करने गए हैं, लेकिन कोई बात मुझे लगा नहीं है। कोई अगर हम वहाँ बात करके किसानों की बात करने के बजाय सरकार का पक्ष रखने लग जाएँ तो वो फिर बात ठीक नहीं होती। मैंने ये भी कहा था कि अगर आप बात करने जाते हो तो वहाँ पर आप किसान की बात पहले कहें, बाहर आपके मेरे किसान जो हैं वो आज सड़कों में बैठे हैं, सारी सर्दियों में सड़कों में निकाल दी, इस बात का मुझे दुख है। लेकिन अगर हमने सरकार का ही एक प्रवक्ता बनना है तो फिर वहाँ जाने का भी कोई फायदा नहीं।